महासचिव और गुना शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 4 दिवसीय दौरे पर मुंगावली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने पोलिंग एजेंटों की बैठक ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ग्वालियर संभाग के अशोकनगर व मुरैना जिले के कार्यकर्ताओं से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये 2 जिले ऐसे जहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है और खाता तक नहीं खुला, और कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूं। देखा जाए तो इससे पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर संभाग के कारण ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की बात कहते हुए दिखाई दिए। वहीं अपने उद्बोधन के दौरान क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार कम से कम 80% मतदान होना चाहिए, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, मैं इसमें कम से कम 60% कांग्रेस को मत मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लालच देखते हुए कहा कि जिस पोलिंग बूथ से सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलेंगे, मैं उसको अनुदान अलग से दिलवा सकता हूं, ताकि उस पोलिंग बूथ पर और कार्य हो सके। देखने लायक होगा कि आचार संहिता का उल्लंघन का मामला क्या सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दर्ज होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे छोड़ देंगे। परिवार का मुखिया हूं, अगर आपको में से एक को भी प्रताड़ित किया जाए तो सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। केवल एक चीज किया है कि पूरे देश को गुमराह किया है और जुमलों में देश को जकड़ के रख दिया है। 15 लाख आपके खाते में आएंगे, किसानों का आय दुगना होगा, लागत हम आधा कर देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हम दिलवाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान को ये करेंगे। और वास्तविकता क्या है? आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, दर दर के ठोकरें पूरे देश की जनता खा रही है। बयान पर मैं टिप्पणी नहीं देता हूँ, आपको अच्छी तरह से मालूम है। बहुत बड़ा बयान है हमारा, भारत देश का विरोध मोदी का। ये तो अंतर है ना हमने और उनमें, वो सोचते हैं कि एक ही आवाज, एक ही सोच, एक ही विचारधारा। हम सोचते हैं कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को हक है अपना बयान देने के लिए, और जनता निर्णय लेगी। जिस तरीके से जनता ने उपचुनाव में निर्णय लिया, मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में निर्णय लिया, अब राष्ट्र स्तर के चुनाव में भी निर्णय लेकर जनता इन भाजपाइयों को सदैव के लिए विदा करेगी। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि 13 साल बाद शिवराज सिंह जी यहाँ आए, उन्होंने कहा मंच से देर आए पर दुरुस्त आए। इतनी क्या भय थी कि सत्ता चली जाएगी, सत्ता की चाबी तो वैसे भी जनता के हाथ में है। जो अशोकनगर के साथ 13 साल इन्होंने अवहेलना की है और आज आए, मैं मानता हूं कि अगर ऐसी स्थिति है, ऐसे मानसिक सोच विचारधारा के आधार पर क्या विकास और प्रगति ऐसे भाजपा ला पाई। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।